मध्य प्रदेश के रीवा में इस समय कांग्रेस विधायक डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला के ऊपर गंभीर आरोप लगाए रहे हैं। सिमरिया विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री का पत्र लिखा गया। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के द्वारा कहा गया कि पंडित श्रीनिवास तिवारी बने के प्रयास डिप्टी सीएम कह रहे हैं, जबकि पूरे बयान जारी करने के बाद भाजपा विधायक के द्वारा सिमरिया विधायक के बयान पर पलटवार किया। आइए अपना बताए थे पूरा मामला विधायक क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सभी जनन का प्रणाम करी थी, शुरू करी थी। बड़ी खबर से बता दी कि रीवा के सिमरिया से विधायक अभय मिश्रा के द्वारा रीवा में सोमवार का एक प्रेस वार्ता की आयोजन किएगा, जहां उनके द्वारा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के ऊपर आरोप लगाएंगे। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के द्वारा 4 अगस्त का मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र खिलाए लिखा गया। ये पत्र में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के द्वारा विकास काम का रोके के आरोप लगावा गया। पत्र में सिमरिया विधायक के द्वारा लिखा गया कि उनके क्षेत्र में बजट स्वीकृत होने के बावजूद सड़क के निर्माण का अधिकारी के माध्यम से रोका चल रहा है। इसके अलावा उनके विधानसभा क्षेत्र में हैंडपंप तक नहीं लगावे दे चल रहा है। प्रेस वार्ता के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के द्वारा कहा गया कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला अपने पद के दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लगातार अधिकारी के बैठक कर रहे हैं, साथ ही सिमरिया क्षेत्र के विकास का रोके के प्रयास कर रहे हैं। रीवा में कांग्रेस के इकलौता विधायक हैं, सिमरिया में कांग्रेस के विधायक होने की वजह से क्षेत्र के विकास का रोके के षड्यंत्र की जाला है और इस वजह से उनके द्वारा मुख्यमंत्री का पत्र लिखा गया। पत्र में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के द्वारा पूछा गया है कि का डिप्टी सीएम का वो बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार कर सका था, काहे से कि वो लगातार अधिकारी का सीएम की तरह से निर्देश दे रहे हैं। उनके द्वारा इतना नहीं कहा गया बल्कि आगे कहा गया कि डिप्टी सीएम पूर्व विधानसभा स्पीकर स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी बने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका यह मालूम नहीं आए कि श्रीनिवास तिवारी बना नहीं जाए, उनके जैसा शख्सियत जन्म ले थी। पत्र में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के द्वारा लिखा गया है कि 20 वर्ष पहले अघोषित रूप से बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके पंडित श्रीनिवास तिवारी बने के प्रयास डिप्टी सीएम महोदय के द्वारा काहे की जाला है, जबकि कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के बयान पर पलटवार करके भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति के द्वारा कहा गया कि अभय मिश्रा के तमाम आरोप निराधार हैं। अभय मिश्रा 3-5 करके मात्र 600 वोट से चुनाव जीते हैं, क्षेत्र के तमाम मतदाता ये बात का जाना था, शराब के ठेकेदार हैं, इसे उनके बुद्धि के अंदाजा लगावा जा सकता है कि कौन स्तर के सोच रखा था। जबकि डिप्टी सीएम तारीफ करके उनके द्वारा कहा गया कि राजेंद्र शुक्ल के द्वारा हमेशा विकास पुरुष के तौर पर काम किएगा, पिछली बार जब उनका मंत्री पद नहीं मिला रहा तो के बावजूद लगातार विकास के खातिर काम करें, जहां तक श्रीनिवास तिवारी बने के बाद ही तो स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के द्वारा विकास के क्षेत्र में काम किएगा। भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति के द्वारा कहा गया कि सिमरिया विधायक के बयान से उनका फ्रस्ट्रेशन साफ छल कर रहा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के द्वारा जो विकास किएगा है वह हर आदमी देख सकत है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल, दे इजाजत। अब जो कॉन्ट्रेक्टर पाया है उसके पीछे इनकी आत्मा भटक रही कि ये कब इससे फिर टर्मिनेट हो तो मैं कमाऊं। कुल मिला के इन्हें विकास उकास नहीं है, ये कंक्रीट के जंगल के पीछे इनकी ठेकेदारी। और दूसरी चीज, ये पंडित श्रीनिवास तिवारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। अरे श्रीनिवास तिवारी बना नहीं जाते, श्रीनिवास तिवारी जैसे व्यक्तित्व पैदा होते हैं, ये बनाने से नहीं बनते, वो उप मुख्यमंत्री नहीं थे। तो मेरा ये कहना है, मेरी जानकारी के अनुरूप कि उप मुख्यमंत्री का पद कैबिनेट द्वारा एक दर्जा प्रदत्त है, इसको कोई अलग से कोई अधिकार नहीं है। आप कैबिनेट मंत्री हो, ये बात सही है, आप अपने विभाग के मंत्री हो, आप जहाँ के प्रभारी मंत्री बनोगे वहाँ के मंत्री हो, वहाँ के आप मिनट बैठक ले सकते हो, वहाँ आप निर्देश जारी कर सकते हो, वहाँ मिनट बुक जारी होगा, कार्यवाही विवरण जारी होगा, उसका पालन प्रतिवेदन होगा। लेकिन अन्य विभाग का जिस तरह से आप बुला बुला के यहाँ पर रीवा की जनता को चमकाए पड़े हो और अधिकारियों पर दबाव बनाए हो, क्योंकि आप हो तो अधिकारियों को लगता है कहीं फंसा देंगे, कहीं ट्रांसफर करा देंगे, कहीं निलंबित करा देंगे, तो लोग इनके दबाव में और इस दबाव का उपयोग ये कहे में कर रहे हैं सिमरिया की जनता से बदला ले। बाकी जितने विधायक हैं साथ जीने नहीं पा रहे हैं, हम लोग विधायकों की भी आपस में बात होती है, वो बताते हैं कि यही हाल इनका हर विधानसभा में, इन्होंने आतंक बचा रखा। तो इन सब बातों को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि कृपया आप क्लियर कर दें कि प्रदेश के हमारी नॉलेज में तो एक ही मुखिया होते हैं सीएम, जिनको असीमित अधिकार प्राप्त कि कैबिनेट के मुखिया होने के नाते उनकी घोषणा अपने आप में राम बाग, तो क्या यही पावर इनको भी है? यदि है तो बता दें, तो मैं भी अनुसरण कर सीएम मानने लगूं, और अगर नहीं है एक ही मुखिया है तो फिर ये सब गलत हो रहा है, इसको रोको। इतना मैंने पता, धन्यवाद।
कापना संतान के सुख से वंचित है। बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा